हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, नमस्कार। तो अभी टाइम हुआ है 5:30 और मैं जा रहा हूँ एक ट्रैकिंग पे। तो ये सीनिक व्यू देखिए, और आपको अगर नेचर पसंद है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे। तो अभी हम लंच के लिए यहाँ पे रुके हैं। क्या नाम लिखा है यहाँ पे? करवंटी वैली, करवंडी वैली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। अरे, पिटला बकरी भी है, वेरी गुड। तो ये इनका एंट्री है। हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि टायर लगा हुआ है, टायर कर। आपने वो वीडियो देखा रेस्टोरेंट का, तो अभी हम रेस्टोरेंट के ओनर से बात करेंगे और ये लोकेशन एग्जैक्ट वो बताएंगे। नमस्ते, मैं गिरीश बामगुड़े। ये जो प्लेस है तामिनी घाट में सिचुएटेड है, सह्याद्री के सब रेंजेस से यहाँ पे, और इसमें ये विलेज आदरवाड़ी विलेज सिचुएटेड है। और मैं ये एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और मेरे एग्रो टूरिज्म का नाम है करवंदी वैली इको एग्रो टूरिज्म। और यहाँ पे हम ऑथेंटिक फूड कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, जैसे पिटला भाकरी है, गावरान चिकन है, जो अपना चूल्हा रहता है वो चूल्हे के ऊपर सब खाना यहाँ पे बनता है। और यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स किए जाते हैं, जैसे भातलावनी फेस्टिवल है, खेकड़ा फेस्टिवल है, रान जो जंगल वाली सब्जी रहती है, रान भाजा फेस्टिवल है, ये सब जो चीज़ें रहती है ये हम यहाँ पे करते हैं। तो आपके पास मटन में कुछ डिश है, मटन रान वगैरह? मटन रान नहीं है, लेकिन चूल्हे के ऊपर हम मटन देते हैं, मच्छी देते हैं। अभी है? अभी कौन सा है? अभी अपने पास चिकन है, बस नॉनवेज में चिकन ही। हाँ, यस, चिकन है। अच्छा, ठीक है। तो एनीवे हम किचन में अभी जाएंगे देखने के लिए ये कैसे बनाते हैं। और आज हमें क्या खिलाएंगे? आज हम आपको स्पेशल चिकन हंडी और चिकन सूखा खिलाएंगे। अच्छा, वेरी गुड। तो चिकन हंडी में कितने लोग हो जाएगा? 5-6 लोग हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर हम लोगों को हो जाएगा, राइट? हो जाएगा, यस। ठीक है, और एक पिटला भाकरी। पिटला भाकरी, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था ये एरिया में खाने के लिए, तो क्योंकि ये नॉर्मली सिटी में मिलता भी है बट उतना खास नहीं मिलता है, तो मैंने ये ट्राई किया कि यहीं पर खाने के लिए, तो ये एरिया में मिल गया तो बेटर है। तो अभी हम चलते हैं किचन में। यस, चलो। आपके पास ये रूम्स अवेलेबल भी है क्या? यस, ये सही डॉर्मेट्री है। हाँ, जिसमें 10 लोग रह सकते हैं। हाँ, बंग बेड्स है। अभी हाँ, अंदर कस्टमर है तो दिखा नहीं सकते। अच्छा, हाँ, सही, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इसमें आपके पास काफी कुछ है। यस, और ये फैमिली रूम बना रहे हैं हम। अच्छा, ये चल रहा है? यस, इसका काम चालू है, लेकिन 5-6 दिन में ये लाइव हो जाएगा। अच्छा, सही है। और ये एग्रो टूरिज्म है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप होने वाली है। जैसे कि फार्म्स है। हाँ हाँ, स्विमिंग पूल रहेगा, मड बाथ रहेगा। हाँ हाँ, बहुत सारे स्पोर्ट एक्टिविटीज रहेंगे। और वो कब तक चालू हो जाएगा सब कुछ? ये अंडर डेवलपमेंट है। हाँ हाँ, विद इन 1 ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पूरा जो प्रोजेक्ट है वो फुल फ्लेज लाइव हो जाएगा। तो जब ये पूरा लाइव हो जाएगा तब आप मुझे फिर से एक बार कॉल कीजिए, मैं आऊँगा। यस, डेफिनेटली। ठीक है, तो वो भी कवर कर लेंगे। श्योर सर। तो तब तक ये रूम तो अभी 3-4 दिन, अभी ये रूम एक हफ्ता मैक्स एक हफ्ते में बनेगा। कितने रूम है इसमें? ये दो हैं। ठीक है, और रेट क्या है? अपन इस
इसका जो डॉर्मेट्री है उसका 3,500 रुपीज लेते हैं 10 लोगों के लिए। 10 लोगों के लिए 3,500। ओके, और ये जो है 2,000 रहेगा। 2,000 रहेगा, ओके। और बाकी ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी, मतलब पर्सनल व्हीकल से ही लोग आएंगे? पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं, अदरवाइज स्वारगेट से एसटी भी, जो भी कोकण जाने वाली एसटी है, हाँ, सब यहाँ पे रुकती है। और एग्जैक्टली कहाँ पे उतरना है? अदरवाड़ी, अदरवाड़ी विलेज में उतरना है। येस। और स्टॉप है यहाँ का? येस। ठीक है, तो स्वारगेट से बस मिल जाएगा जो कोकण जाती है। जाती है, और एसटी वालों को बोला कि थोड़ा गांव के पहले उतरना है होटल के यहाँ पे, तो सभी एसटी वाले रुकवा देते हैं। रुकते हैं, सही है, ठीक है। तो ये आपका पूरा फैमिली बिजनेस है, सब लगे हुए हैं? यस, ये हमारा सब फैमिली बिजनेस है। वेरी गुड। क्या नाम है इनका, क्या नाम है बेटा आपका? ये मेरी भांजी है। अच्छा, मैं और मेरे जीजा जी मिलके ये पूरा डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। चिकन वगैरह जो भी है यहाँ पे जो खाना बनता है वो सब चूल्हे के ऊपर ही बनता है। ये भी चिकन है, ये पहले चूल्हे के ऊपर पूरा पकाया गया है। और थोड़ा दिखाओ ना पीसेस। तो ये है चूल्हा। अच्छा, तो ये बॉईल हो चुका है? ये पूरा बॉईल हो चुका है। हाँ हाँ, अभी इसके बाद चिकन सुखा है, चिकन हंडी करना है, तो ये यही यूज करेंगे इसमें से। हाँ, यही यूज करते हैं हम लोग। और भाकरी यहीं पे बनता है? भाकरी यहाँ पे बनता है। सही। तांदूळ पण होते ना भाकरी? ये बाजरी का हाँ। तो ये राइस वाला भाकरी है। हाँ। फुल हांडी में कितना पीस आता है? 14-15 पीसेस आते हैं। अरे, ये हंडी के लिए जा रहा है ना? यस। अच्छा, तो ये तंदूर भी है। ओ, ये देखिए, नमक, ये हमारा घर का सीक्रेट मसाला। अरे वाह, इसमें क्या क्या, ये ग्रेवी में क्या क्या रहता है? ग्रेवी में पूरा मिक्स रहता है, कांदा, बीन्स, गाजर। अच्छा, ये अभी चिकन स्टॉक आ गया, तो चिकन सूप भी बोल सकते हैं।
तो अभी हाई फ्लेम में कितनी देर और पकेगा? 4 से 5 मिनट। 4-5 मिनट। चलिए 4-5 मिनट बाद ये अपने टेबल पे तैयार होगा फिर। सो ये प्रिपरेशन किसके लिए? ये पिटला के लिए है प्रिपरेशन। अच्छा पिटला। इसमें प्याज आता है, चिली आता है, कोरिएंडर आता है। हाँ। ये अदरक लहसुन पेस्ट आता है और ये बेसन। बेसन है ना? हाँ। यस। सो मिर्ची में कौन सा फ्लेवर है अभी मिर्ची के साथ साथ? हाँ मतलब वो उसमें कुछ डाला है ना, वो किसी में दही वगैरह है ना? हाँ मतलब ये पहले प्रिपेयर करके रखा है पूरा। हाँ दही वगैरह डाल के। हाँ आप यहाँ से रखोगे ना 6 महीना भी रहता है मिर्ची। हाँ हाँ करेक्ट। ऑर्डर के टाइम में सिर्फ फ्राई करके देते हैं। और ये ट्रेडिशनल किसके साथ खाने का? ये ऑथेंटिक फूड है अपना महाराष्ट्र का। तो मैदे का या आटा का? ये आटा कैसे? गेहूं का आटा ना, गेहूं का तंदूरी रोटी जी। मैदा तो नहीं चाहिए? मैदा नहीं, ये देख के लग ही रहा है ये गेहूं का आटा। लंच काफ़ी अच्छा था जो हमने लंच किया था, और काफ़ी कम मसाले थे, घर टाइप का खाना था, रीजनेबल भी था।